नमस्कार, मैं हूं शिवांगी। डीएनडी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन इसके बावजूद भी शराब माफिया और शराब पीने वाले लोग बाज नहीं आ रहे। लगातार शराब की बड़ी बड़ी खेप बिहार में पकड़ी जाती है, तो ऐसे में शराब माफियाओं और शराब पीने वालों पर नकेल कसने के लिए विभाग ने अब एक बड़ा फैसला लिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार के जिलों में शराब के उपयोग और व्यापार पर नजर रखने के लिए सभी 9 प्रमंडलों में उत्पाद इंटेलिजेंस ब्यूरो कार्यालय खोले जाएंगे। आपको बता दें कि मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने इसको लेकर राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा है। विभाग के संयुक्त आयुक्त श्री कृष्ण पासवान ने बताया कि ईआईबी के प्रमंडलीय कार्यालय उत्पाद अधीक्षक के नेतृत्व में खुलेंगे, जिसके हर कार्यालय में 2 इंस्पेक्टर, 4 सब इंस्पेक्टर, 10 ASI, 20 ASI, 2 निम्न वर्गीय उत्पाद लिपिक और 3 कंप्यूटर ऑपरेटर सहित 42 सदस्यों की टीम अधिसूचना इकट्ठा करने का काम करेगी। मद्य निषेध विभाग के संयुक्त आयुक्त श्री कृष्ण पासवान ने बताया कि प्रमंडलीय ईआईबी कार्यालय पर विभाग के लिए शराब के कारोबार से जुड़ी गुप्त सूचनाएं इकट्ठा करने की जिम्मेदारी होगी। इसमें तैनात होने वाले तमाम पदाधिकारी सादे वेश में काम करेंगे। इसको विभाग के दूसरे कार्यों से अलग रखा जाएगा। तो देखिए और क्या कुछ कह रहे हैं श्री कृष्ण पासवान इस वीडियो में। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshant.com। अधिकारियों के 9mm पिस्तल उपलब्ध कराया है, जिसकी ट्रेनिंग अभी 100 बैच में सीआरपीएफ प्रशिक्षण संस्थान राजगीर में आज से प्रारंभ हो गया है। इससे और मजबूती मिलेगी। किस रैंक के ऑफिसर हैं? ये ASI 2 सुपरिटेंडेंट एंड असिस्टेंट कमिश्नर, ASI सहायक अवर निरीक्षक से लेकर सहायक आयुक्त उत्पाद एवं अधीक्षक उत्पाद को ट्रेनिंग दी जा रही है। अभी तक इनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं थी और हथियार नहीं थे। ट्रेनिंग हम लोग कराए थे, लेकिन हथियार नहीं था। ये हथियार का सिलसिला हम तो बहुत पुराने आदमी, 2007 से चल रहा था। जब हम यहाँ आए तो उसको स्टार्ट कराए, फिर वो धीरे धीरे वो नहीं हो पाया, तो हम लगातार उसमें लगे रहे और सफलता हमको 2021 में मिली, जिसमें 416 पिस्तल क्रय करके आवंटित किया गया है। अभी 391 पिस्तल और आना है सहायक अवर निरीक्षक के लिए। तत्काल हम लोगों के यहाँ जो पिस्टल उपलब्ध हुआ है उससे हम लोग ट्रेनिंग करवा रहे हैं। पिस्टल 416 सब 9 ट्रेनिंग फेज दिया जाएगा। महिला सशक्तिकरण अगर सरकार का मंसाहार करती है तो जब से पिस्टल मिला। एक छोटा सा उदाहरण आपको देते हैं, महिलाएं इतनी खुश है, महिला पदाधिकारी इतनी खुश है, और उन लोगों ने स्पष्ट शब्द से कहा कि सर आज तक हम लोग पिस्टल देखे नहीं थे, देखिए ना आप भी, तो निकाल के बड़ा खुश हुई। और हमको लगता है कि उसका जो मनोबल मैंने देखा है वो पुरुष से किसी भी मामले में कम नहीं। तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है उनको हथियार की ट्रेनिंग देने के? देखिए, उसके पीछे उद्देश्य ये है कि महिला जो पदाधिकारी हैं वो पुरुष पदाधिकारी के अपने को कम नहीं समझें। आज आप लोग पहले भी बता चुके हैं या कृष्ण कुमार बताया होगा कि हम लोग ने सिर्फ महिला रेट शुरू किया था, जिसमें सिर्फ महिलाएं जाती थी और पदाधिकारी सिपाही सब महिला, एक भी पुरुष नहीं रहता था। ये एक्सपेरिमेंट हम लोग सासाराम में किए, जिसमें 141 कितना पकड़ाया था, 141 अभियुक्त तो सिर्फ महिला द्वारा गिरफ्तार किया गया था। उससे महिलाओं का मैंने कहिए कि शक्ति में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। जब मैंने एक महिला से पूछा कि पुरुष को कैसे पकड़ी हो, तो मार्शल आर्ट टाइप करके हमको दिखाया कि हम ऐसे पकड़े हैं, पटक के पकड़े हैं और अकेले, तो इससे फायदा हुआ। और एक बात और बता देते हैं, जो सिस्टम चल रहा था वो सिस्टम लगातार जारी है। लगातार हम 49 ड्रोन्स उड़ा रहे हैं पूरे भारतवर्ष में, सेना को छोड़ के कोई ड्रोन इतना लगातार 1.5 साल से नहीं उड़ा रहा।
और जितना मैंने सोचा जा सकता है उतना आप लोग जानते हैं, उतना मेरे पास संसाधन है और एक एक चीज़ पर हम लोगों ने ध्यान दिया है, चाहे नदी मार्ग हो, सड़क मार्ग हो, पगडंडी के लिए हम लोग ने मोटरसाइकिल दे दिया है, ये भी मेरा ही सोच था। सर को बोले कि सर बहुत सही और उस ये है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।